जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने इस लेक्चर में देखेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी जिसको हिंदी में कहा जाता है दिवालिया खाते। तो सबसे पहले ये जाने कि दिवालिया कौन होता है। हम लोग को क्या जानना है सबसे पहले कि दिवालिया कौन है, है ना? खाता तो बाद में जान लेंगे। देखिए कि होता क्या है, व्यवसाय जब प्रारंभ किया जाता है तो सबसे बड़ी मात्रा में जरूरत होती है कैश की। ठीक, लगा दिया गया। दो तरीके से आ सकता है, या तो व्यवसायी का खुद का पैसा होगा और या तो ऋण के तौर पे लेके आया होगा। ठीक है ना, कुल मिला के कैश आ गया, व्यवसाय पे लग गया। इसी कैश के कैश में से उसने क्या किया, कई चीजें उसने खरीदना स्टार्ट किया है। जैसे स्टॉक ले लिया उसने, मशीन ले लिया और अदर असेट्स खरीद ली, व्यवसाय में लगा दिया इनको, व्यवसाय का संचालन प्रारंभ हो गया। ठीक, उम्मीद क्या थी, बहुत कमाएंगे, माला माल हो जाएंगे। उम्मीद क्या थी, बहुत कमाएंगे, माला माल हो जाएंगे, है ना? व्यवसाय जब स्टार्ट किया गया तो उद्देश्य तो यही था ना, गोइंग कंसर्न पढ़ाया था आपको। जब स्थापित किया जाता है तो उम्मीद यही होती है कि बहुत प्रॉफिट आने वाला है। ठीक, लेकिन व्यवसायिक चक्र में कौन कब कैसे फंस जाएगा कुछ पता नहीं चलता। खैर, स्टार्ट हुआ, पहला वर्ष हुआ, इनको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, मात्र 5,000 का प्रॉफिट। दूसरा वर्ष हुआ, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी प्रॉफिट बढ़ा था तो उम्मीद बढ़ी थी, भले ही 3,000 का प्रॉफिट बढ़ा लेकिन उम्मीद बढ़ गई थी। पैसा इसने और लगाया व्यवसाय में। तीसरे वर्ष क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिससे इनका व्यवसाय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और उसके कारण इनको 20,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक, अब मन परेशान, दो वर्ष का चूंकि प्रॉफिट भी पा चुके हैं तो प्रॉफिट का स्वाद भी पता चल चुका है, एकदम से लॉस आया, हारे नहीं और ज़्यादा जुनून के साथ में मार्केट में उतर गए। ठीक, पैसे की जरूरत पड़ी तो लोन लेकर आ गए, लोन लिया। ठीक ना, ऐसे तो लोन मिला नहीं, एसेट्स के माध्यम से लोन लेना प्रारंभ कर दिया। लोन लेकर आए, अगले साल फिर लगाया, लेकिन व्यवसाय का माहौल जो था, जो पर्यावरण था, व्यवसाय का वातावरण जो था वो इनके अनुकूल नहीं आया, वो इनके प्रतिकूल रहा और अगली बार इनको 40,000 रुपए का लॉस हो गया। मानेंगे नहीं, एक जुआरी जब बैठ जाता है ना खेलने के लिए, हटता नहीं, तब तक नहीं हटता जब तक बर्बाद नहीं हो जाता। ठीक, अगर 100 हारा है तो अगली बाजी 200 की, 200 हारा तो अगली बाजी 500 की, 500 हारा तो अगली बाजी 2,000 की। हर बार उम्मीद होती है कि अपना पैसा और इसके पैसे के साथ वापस लेके आऊंगा, यही चीज इनको थी। ये हारे नहीं, इन और संपत्तियों पर भी लोन लेकर आ गए। ठीक, लेकिन व्यवसाय तो फिर वैसे ही रहा, अगली बार लॉस हुआ 50,000 का। अब देखो, इनको सिर्फ लॉस नहीं हो रहा है, इनके ऊपर ऋण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। पहले एसेट्स लायबिलिटी बराबर थी, लेकिन अभी इस एसेट्स पर भी लोन आ गया है, तो ये देखो लायबिलिटी जनरेट हो रही है, एसेट्स कम हो रही, लायबिलिटी बढ़ रही है। यही तो दिवालिया है, जब किसी व्यक्ति के दायित्व इतने बढ़ जाएं कि वो हर भरसक प्रयास करने के उपरांत भी अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए, इसी कंडीशन को दिवालिया कहा गया है। इसी ही कंडीशन को क्या कहा गया, दिवालिया। ऐसा व्यक्ति जिसके देनदारियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि वो अपना हर प्रयास करने के उपरांत भी उनका पूरा भुगतान न कर पाए, उसको क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं दिवालिया हो जाता, है ना, ऐसे दिवालिया नहीं हो जाता। होगा कैसे, देखो इसके पास में जैसे मान लो ये थे मिस्टर एक्स जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इनकी देनदारियां बहुत हो गई हैं। अब इनके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि इनके जितने भी लेनदार हैं, इनके जो लेनदार हैं इनके पास ये चले जाएं और कहें साहब बर्बाद हो गया मैं,
मैं तो बर्बाद हो गया, जो तुमने पैसा दिया था हमको उसको मैंने व्यवसाय में लगाया लेकिन मुझे नुकसान हो गया, लेकिन मुझे नुकसान हो गया। अब ऐसा करो ना, पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है ये लोग माफ़ कर देंगे इनको? क्या लगता है ये लोग माफ़ कर देंगे? अरे दुनिया में आजकल जितने बवाल हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पैसे का होता है। आपको क्या लगता है ये इनको छोड़ देंगे? ठीक, जाओ हरिश्चंद्र के परिवार से हम ही लोग जन्मे थे, जाओ दान कर दिया तुमको। नहीं ना, मारपीट होगी, गाली गलौज होगा, हो सकता है इनको जान से भी हाथ गंवाने पड़ जाएं, इतना बड़ा रिस्क। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा मिस्टर एक्स? इनकी शरण में जाएगा ही नहीं। ये कहाँ चला जाएगा? इनके पास जा रहा होगा, रास्ते में यहां से यू टर्न लेगा और न्यायालय चला जाएगा, न्यायालय चला जाएगा और वहां पर बताएगा, वहां पर प्रूफ देगा कि देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां मेरे साथ हुई और इन स्थितियों के कारण मैं अपना पूरा प्रयास करने के उपरांत व्यवसायिक चक्र में कुछ ऐसा फंस गया कि मुझे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस होता गया और मेरी संपत्तियां कम हो गई, मेरे दायित्व तो बहुत हो गए, अब मैं इनका पूरा भुगतान नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इनके पास गया तो ये लोग मेरी जान भी ले सकते हैं, इसलिए बस आप ही हमारे माई बाप बचे हो, जो चाहो वो करो, चाहो तो जीवन का दान दो और चाहो तो इनके हाथों मेरी जान को जान दो। तो क्या होगा? न्यायालय का काम ही है, न्यायालय का काम ही है इस तरह के असहाय लोगों की मदद करना। तो इनकी मदद करने को वो तैयार हो जाएगा, और अगर ये इनकी मदद करने को तैयार हो गया तो फिर क्या किया जाएगा, इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और फिर इनके लेनदारों को भुगतान करने के लिए जो प्रोसेस एक करी जाएगी, इनके लेनदारों का भुगतान करने के लिए जो एक प्रोसेस करी जाएगी, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इंसॉल्वेंसी एक्ट कहा जाएगा, दिवालिया खाते कहा जाएगा। दिवालिया खाते कुछ और नहीं है, दिवालिया व्यक्ति के लेनदारों को भुगतान करने के लिए की गई पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही, किए गए पूरे के पूरे लेखांकन को ही, बनाए गए खाते को ही क्या कहा जाता है? दिवालिया खाते कहा जाता है। उम्मीद है आपको दिवालिया और दिवालिया खाते समझ में आ गया होगा। अब बात आती ये होगा कैसे? तो ये मिस्टर जो है एक्स, ये जाएंगे न्यायालय के पास, अपना प्रार्थना पत्र देंगे। कौन दे सकता है प्रार्थना पत्र? जिसके ऊपर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का 500 या इससे अधिक रुपए की बकाया है और उसका भुगतान करने में वो असमर्थ है, वो न्यायालय की शरण में जाकर दिवालिया घोषित कराने के लिए आवेदन दे सकता है। तो ये चले जाएंगे न्यायालय, वहां पर एप्लीकेशन देंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाए। न्यायालय इनसे एविडेंस मांगेगा, ये एविडेंस देंगे। न्यायालय जब संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ वाकई में इसके दायित्व ज्यादा हो गए हैं, तो इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। दिवालिया घोषित करते ही समय एक लिक्विडेटर न्यायालय के द्वारा ही अपॉइंट कर दिया जाता है। लिक्विडेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रापक। प्रापक की जिम्मेदारी क्या होगी? मिस्टर एक्स की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगा और उनकी नीलामी करके उनको बेचेगा, पैसा जो आएगा वो उसके पास आ जाएगा, और इनके जितने भी लेनदार थे इनकी सूची तैयार करेगा। फिर उस सूची के द्वारा, सूची में बनाए गए लेनदारों की जो विवरण बनाया जाएगा, उस प्राप्त किए गए पैसे से उनका क्रमबद्धता के साथ भुगतान करके उस मामले को पूरा रफा दफा कर दिया जाएगा। तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, इनको देनदारियों से मुक्ति दिला दी जाएगी और जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो, इसके लाभ भी हैं और हानि भी हैं। इनके आत्मसम्मान का, इनका आत्मसम्मान बना रहेगा, अदरवाइज ये लोग आते इनके साथ गाली गलौज करते, मारपीट करते, तो इनका आत्मसम्मान तो कुछ रह ही नहीं जाता। बीच सड़क पे मार खा रहे होते, काहे का आत्मसम्मान है ना, तो वो बच जाएगा। इनको दोबारा जीवन जीने का एक मौका मिल जाएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ये दोबारा भी प्रोसेस, अगर चाहें व्यवसाय को प्रारंभ करना तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके लाभ हैं, लेकिन हानियां भी हैं। हानियां क्या हैं? ये बेचारे, इनकी कौन सी गलती थी? ये जरूरी नहीं है कि व्यवसाय बहुत अच्छा कर रहे थे, ये सट्टे का व्यवसाय भी खेल सकते हैं, उसके चक्कर में इनका हानि हो गई है ऐसी, ठीक। तो ये तो बेचारे निर्दोष लोग थे जिनका पैसा तुम्हारी वजह से फंस गया, व्यवसाय में नष्ट हो गया है ना, तो इनको, समाज को नुकसान होता है। अयोग्य लोग भी आ जाते हैं, कुछ उनको जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, फालतू के काम, सट्टा बताया ना, फालतू के काम करते करते व्यवसाय में हानि उठा गए, और ऐसे लोगों को भी न्यायालय शरण दे रहा है। तो ये इसकी हानियां भी हैं, लेकिन कुल मिला के प्रोसेस तो है। अच्छा, अब बात करते हैं, चलो ये दिवालिया हो गए और इनका पूरा दिवालिया खाते तैयार किया जाना है, तो कौन सा अधिनियम लगता है, कौन से कानून है? क्योंकि बिना कानून के तो कुछ हो नहीं सकता। तो कानूनों की जब हम बात करेंगे आगे चल करके, तो
इंसॉल्वेंसी एक्ट भारत में है दो, एक है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं पीटीआई एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जिसको पारित किया गया था 1909 में, और दूसरा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जिसको कहा जाता है पीटी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी पीआई एक्ट 1920, ठीक ना, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ये 1909 में बना और ये 1920 में बना। देखो ये 1909 में क्यों बना, भारत के जो शहर बहुत ही शुरुआत से बहुत विकसित हो गए थे उनमें ही व्यवसाय का चलन सबसे पहले आया, और जहां व्यवसाय का चलन सबसे पहले आया वहीं पर मुसीबत सबसे पहले आई, जहां मुसीबत सबसे पहले आई वहीं पर दिवालिया सबसे पहले हुआ, जब दिवालिया सबसे पहले हुआ तो वहां पर कानून बनाने की जरूरत सबसे पहले महसूस की गई। तो वो कौन से तीन शहर थे जहां पर यह लागू होता है, तो ये मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है ना। इन तीन शहरों में जो प्रोविंस जो दिवालिया अधिनियम लागू होता है वो कौन सा है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स है, वैसे प्रेसिडेंसी टाउन्स में दिल्ली भी शामिल है लेकिन उसको यहां पर शामिल नहीं किया गया है, केवल इन तीन की बात करी गई है। इन तीन को छोड़कर बाकी पूरे भारत में जो अधिनियम लागू होता है वो कौन सा है, उसको कहते हैं प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ये 1920 में 11 वर्ष बाद ये दूसरा अधिनियम बना जो इन तीन शहरों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में लागू होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 कहा जाता है। अच्छा, क्या इनमें कोई सुधार भी हुआ, क्योंकि 1920 और 2021 बड़ा लंबा समय हो गया। जी हाँ, सुधार भी हुआ था, चाहे इस एक्ट की बात करें और चाहे इस एक्ट की बात करें, इन दोनों में ही 1978 के अंदर एक संशोधन किया गया जिसको कहा गया दिवालिया संशोधन अधिनियम। दिवालिया संशोधन अधिनियम 1978 जो 1 सितंबर 1978 से पूरे भारत में ये भी परिवर्तन होकर के लागू हुआ, ठीक है ना। इसने एक सेक्शन में इसमें चेंज किया है और एक इसके सेक्शन में चेंज किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि हमको केवल ये डेट महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एग्जामिनेशन में कभी पूछ सकता है कि दिवालिया संशोधन कानून कब पारित हुआ था, तो 1978 में पारित हुआ था, कब से लागू हुआ था, तो 1 सितंबर 1978 से ये लागू भी हो गया था। अदरवाइज मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो हमने एक्ट भी जान लिया है कि कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं। एक है हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और एक है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। तो इसके बाद जानते हैं अच्छा कि कोर्ट कौन सा है, कौन सा कोर्ट होगा, है ना। कोर्ट मतलब न्यायालय। अरे कौन इसका इस यहां पर न्यायालय कौन सा होगा जो दिवालिया घोषित करेगा, और कौन यहां पर न्यायालय होगा जो दिवालिया घोषित करेगा। देखो यहाँ की अगर बात करें तो इन शहरों का सब के सब शहरों का अपना उच्च न्यायालय है, तो इन शहरों के लिए जो इनका उच्च न्यायालय है वही इनकी कोर्ट है, वही दिवालिया संबंधी आदेश पारित करेगा। इनकी बात करें तो ये इन शहरों को छोड़कर बाकी जगहों पर लागू होता है, तो इनके लिए कौन होगा न्यायालय, तो इनके लिए जिसको जिला न्यायालय कहते हैं, दीवानी या सत्र न्यायालय कहते हैं, वो इनका कोर्ट होता है और वही इनके संदर्भ में दिवालिया के संदर्भ में अपने आदेश पारित करता है। बात क्लियर है आपको, एक एक चीज समझ में आ रही है। देखो अगर मेरे साथ आप बने रहे तो मैं रटाने का काम नहीं करता हूँ, आपको समझाने का काम करता हूँ मैं, ठीक। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, ये चैप्टर जब पढ़ाया जाता है ना कोचिंग्स वगैरह में तो महीनों तक चलता है, लेकिन अगर मेरे साथ आप बने रहे तो मुश्किल से 7 या 8 वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ समझा दूंगा। और कोई भी अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं, केवल आप मेरी बात को सुन लीजिए सही से, ठीक। शर्त बस ये है कि आप पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, अदरवाइज तो आप कुछ भी सुन लेते हैं, है ना। बाकी चीज़ें बहुत सारी आप सुनेंगे जो आपको याद हो जाएंगी, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि उनको हम याद करने के लिए सुनना ही नहीं चाहते। खैर, लेकिन अगर आपने इनको समझने के लिए हमारे साथ बैठ गए हैं आप पूरा वीडियो देखने के लिए, तो फिर कोई भी पॉइंट ऐसा होगा नहीं जो एग्जामिनेशन में आप कर ना पाएं। और मैं आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का पैटर्न पहले ही बता चुका हूं, 16 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंसॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक ना। आज लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, इंसॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन आएगा आपका पक्का। और अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, हमारे साथ लगातार बने रहे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आप कर ना पाएं। इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पता हो। क्लियर है। चलिए,
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इन सारे ही जितना भी हमारा ये स्टेटमेंट बनाया जाना है, जो दिवालिया के संदर्भ में लेखांकन किया जाना है, उसको कैसे किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, हमारे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे आगे प्रोसेस में लाया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। जय हिंद दोस्तों।